देश में संविधान खतरे में, और मैं समझता हूँ देश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा, कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोगों को छोड़ दो जो तानाशाही चाहते हैं देश में। बात करें दलित भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और उनके अंदर भी ये चर्चा है कि 400 इसलिए मांग रहे हैं संविधान बदलने के लिए। ये चेन देखिए, लोगों ने मौका दिया बीजेपी को बहुत, और बड़ा मजबूत मौका दिया। 73 सीटें दी इन 14 में, 325 यूपी असेंबली में 17 में दे दी। आप लोगों ने कहा है कि सरकार बनते ही हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए आएगा, 30 लाख गवर्नमेंट जॉब आप पहले साल ही दे देंगे, तो कैसे लोग यकीन करें, क्योंकि वो तो 15 लाख का अभी तक वेट कर रहे हैं। तो मैंने हारने के दिन भी कहा था, इसी मोहल्ले में हमारा केंद्रीय कार्यालय है, मैंने हारने के दिन भी कहा था अपने केंद्रीय कार्यालय पर कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं बदायूं से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव तो थम गया सर, अभी कैसा क्या आकलन रहा? आपने बहुत लंबा प्रचार किया, लगभग 1-1.5 महीने से आप डटे हुए हैं, क्या दिख रहा है? नहीं, बहुत ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान उत्साहित होके पार्टी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं और वैकल्प के तौर पे केवल और केवल हमारा इंडिया गठबंधन है, जिसकी उत्तर प्रदेश में पूरा जिनके कंधों पे भार है माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक जीते हुए। वो तो अभी से कह रहे हैं कि उनका बहुमत तो आ चुका है, अब तो वो 200 लड़ रहे हैं, बहुमत आ चुका तो छोड़ने की जरूरत कहाँ है, 400 पहुँचने के लिए लड़ रहे हैं। वो 400 पार का मामला है, जैसे नदी के पार, उस पार, उस पार, तो वो 400 से ऊपर वालों पे सोच रहे हैं, वो 400 तो छोड़ चुके हैं वो इंडिया के लिए। क्या बैकफायर कर गया ये 400 का नारा उनको? अभी वो सोचें, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसका फायर किया कि इसका बैकफायर किया। सवाल दूसरा है, देश में संविधान खतरे में, और मैं समझता हूँ देश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा, कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोगों को छोड़ दो जो तानाशाही चाहते हैं देश में। हर व्यक्ति को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की चिंता है, संविधान की चिंता रहेगी तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी आप मीडिया के लोगों की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी बचेगी या स्वतंत्रता बचेगी, या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो आपने गरिमा ले रखी, वो गरिमा भी आपकी तभी बचेगी जब लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र भी तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। तो संविधान बचाने के लिए आज पूरा देश एक खड़ा हो गया है। दलितों में भी हम देख रहे हैं, ये बात करें दलित भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़ा है और उनके अंदर भी ये चर्चा है कि 400 इसलिए मांग रहे हैं संविधान बदलने के लिए। सच भी है ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उनके कई नेताओं ने कहा है और स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार ऐसे फैसले लेंगे लोग हजारों साल याद करेंगे। भाई लोकतंत्र के जो फैसले होते हैं 5 साल लोग याद रखते हैं, ये हजारों साल का तो मतलब है कि जैसे तानाशाही या जो वंशानुगत राजतंत्र है उस तरह की कोई व्यवस्था ला रहे हैं क्या? तो लेकिन जनता स्वीकार नहीं करेगी, बड़ी कुर्बानियों के बाद ही संविधान मिला है, बहुत कुर्बानियों के बाद ये लोकतंत्र मिला है, कोई कैसे कोई जाने देगा। 14 के बाद हमने देखा जिस तरह से लोगों ने जातीय सीमाओं को तोड़कर मोदी या बीजेपी को वोट किया था, उसी तरह से इस बार लोग जातीय सीमाएं तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं, ये चेंज कैसे आया? ये चेंज देखिए, लोगों ने मौका दिया बीजेपी को बहुत, और बड़ा मजबूत मौका दिया। 73 सीटें दी इन 14 में, 325 यूपी असेंबली में 17 में दे दी, 19 में भी 64 सीटें दे दी लोकसभा की, 22 में भी 300 के आसपास सीटें दे दी विधानसभा की, बहुत विश्वास किया। लेकिन जब किसी के विश्वास का नाजायज़ उपयोग करोगे और विश्वास को धोखा दोगे, भाई लोगों ने विश्वास किया था इस बात के लिए कि मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम कर देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्विस बैंक का पैसा लौटेगा सबके खातों में, 15-15 लाख जाएगा, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दिया था। तो जितने नारे दिए थे काम ठीक उल्टा किया है। जिन्होंने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने रेल, वेल, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, बंदरगाह, बीमा, बैंकें, टेलीकम्युनिकेशन सब बेच दिया, कुछ बचाए क्या किसी पे? इसी तरह से उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले भी जब 60 रुपये का था, तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान करते थे लोग और कहते थे कि प्रधानमंत्री जी की उम्र बढ़ रही है और रुपये और डॉलर की उम्र और कीमत की तुलना करते थे। आज पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, 84 रुपये पर खड़ा है 1 डॉलर, आज आपकी क्या है? तो जितनी बातें की थी आपने, जहाँ कहा कि बेरोजगारी, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव कहते हुए तो बीजेपी के लोग सीना ठोकते हैं जैसे कि आज़ादी का आंदोलन इन्होंने लड़ा हो, जबकि इनका कोई योगदान नहीं आज़ादी की लड़ाई में। और फिर आज़ादी से अब तक 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर है तो आज है,
महंगाई है तो आज है, किसानों की बर्बादी तो आज है, नौजवानों की बर्बादी तो आज है, लोग आज ही आ गए। आप लोगों ने कहा है कि सरकार बनते ही हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए आएगा, 30 लाख गवर्नमेंट जॉब आप पहले साल ही दे देंगे, तो कैसे लोग यकीन करें, क्योंकि वो तो 15 लाख का अभी तक वेट कर रहे हैं। तो कि हमारे गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, जहां तक जैसे मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, या बगल में तेजस्वी जी की पार्टी है, सब पार्टियों ने जनता भी जो वादे किए थे अब तक, सरकारें सबने चलाई हैं, प्रदेश में चलाई हैं, देश में चलाई हैं, सभी ने अपने वादों को पूरा किया है, ये भरोसा है हमारे गठबंधन के लोगों का। अगर आदमी अखिलेश आदमी का था मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, तो करके दिखाई, लैपटॉप बांट के दिखाया, समाजवादी पेंशन बांट के दिखाई, कन्या विद्यालय योजना बांट के दिखाई, तमाम योजनाएं दे के दिखाई है, किसानों के कर्ज माफ़ करके दिखाए थे उस समय, जो हमारे भूमि विकास बैंक यूपी का मामला था, सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं थी, तो हम लोग करके दिखा चुके हैं, इसलिए भरोसा है जनता को। इस बार आजमगढ़ से पिछली बार जब आप लड़े थे तो बड़ा आपका और दिनेश लाल यादव की राइवलरी का बहुत चर्चा होती थी बार बार, लेकिन इस बार चर्चा नहीं हो रही, बस एक सिंगल ही नाम ही चल रहा है, वीडियो भी आ रहा है सोशल मीडिया तो आपके ही वायरल हो रहे हैं, उस बार मामला ठंडा कैसे उधर? अब इसका तो जवाब उनसे, तो कोई काट की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। मैंने कहा पहले दिन से, जब से मैं कंपेन शुरू किया, मैंने कहा वो एक्सीडेंटल हार थी मेरी और वो उनकी एक्सीडेंटल जीत थी, वो जीत गए चलो अच्छी बात है, 1.5 साल में जनता ने उनको भी देख लिया, ये और अच्छी बात है, और फिर जनता और आजमगढ़ की जनता से जीते दिनेश लाल यादव, तो कहीं ना कहीं मन में एक बदले की भावना है कि लोगों के अंदर भावना है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हारने के दिन भी कहा था, इसी मोहल्ले में हमारा केंद्रीय कार्यालय है, मैंने हारने के दिन भी कहा था अपने केंद्रीय कार्यालय पर कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। हमने आपका इंटरव्यू उस वक्त किया था, हमें याद है वो बात। अच्छा, ये क्या कहीं ना कहीं आपके मन में था कि बदायूं से भी लड़ने का आप सोच रहे थे कभी? देखिए पार्टी का फैसला है, हमारे लिए बदायूं, हमारे लिए आजमगढ़, ये सब एक ही क्षेत्र हैं, सब नेताजी के क्षेत्र हैं, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे खुशी है कि मौका दिया दोबारा आजमगढ़ लड़ने का, और अच्छी बात है कि बीजेपी से भी वही उम्मीदवार हैं, तो आजमगढ़ के लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, सीधा बदला लेने का मौका मिला है। बस एक आखिरी सवाल, इस बार हम आपका चेहरा देख रहे हैं, पिछली बार भी चेहरा देखा था, पिछली बार कॉन्फिडेंट नहीं थे लेकिन इस बार बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। कॉन्फिडेंट का सवाल नहीं था, पिछली बार काम टाइम कम मिला था, 14 दिन के अंदर पूरा काम करना था, और इस बार तो ऐसे ऊपर वाले की कृपा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव तो आधा हमारे आने से पहले ही लड़ दिया था, हमें तो केवल रस्म अदायगी लोगों के सामने जाना था, वो मैं कर रहा हूँ, और समय भी मिला उसके लिए मुझे, इस बार समय पूरा मिला, और पिछली बार समय कम था, 14 दिन में ही बहुत कुछ करना था, तो हो सकता है कुछ आपने थकान वकान देख ली उस समय। कितनी सीटें जीत रहे यूपी में? लगभग सभी, हमारे जिस साथी का दुर्भाग्य होगा वही हारेगा, नहीं तो सब जीत रहे। अखिलेश जी तो खाली क्योटो में मामला फंसा हुआ है। अरे सात छठवां चरण खत्म होने दीजिए, आजमगढ़ के लोग जाके क्योटो भी संभाल देंगे। तो देखिए धर्मेंद्र यादव जी हैं, साफ कह रहे हैं कि सभी 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी और गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, और इवन कि काशी यानी कि जिसको क्योटो कह रहे हैं, क्योटो में भी कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी जो है टफ फाइट दे रही है।